नमस्ते दोस्तों, आज संडे है, फंडे। तो आज आपको दिखाता हूँ कि मेरे लाइफस्टाइल में क्या होता है संडे के दिन। तो मैं आ चुका हूँ गोरखपुर से नेपाल रोड के ऊपर पीपीगंज में, और देखिए मेरा सुपुत्र है ये और मेरे जीजा की गाड़ी है। तो ड्राइविंग सीट पर मेरे जीजा जी बैठे हुए हैं, तो चलिए पूरा विलेज का एंजॉयमेंट कराते हैं आपके, क्योंकि हम भी सर तुम भी वीडियो में आ रही हो। देखो क्या नाम है तुम्हारा, नाम बता दो। कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है जी लड़के? हाँ नाम बताओगे अपना तुम? हेलो हेलो, ये मानव भी आ गया। हेलो बोलो तुम बच्चे लोग। बच्चों का ग्रुप जो है, देख लीजिए चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं थोड़ा गांव के अंदर घूमने के लिए। छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन चल रहे हैं कि एंजॉय करेंगे और नदी के यहाँ चले। छोटी बच्ची, इसका नाम है अंजी है, इसका नाम है रिद्धि कश्यप, और देखिए प्राची, उसके बगल में इसका छोटा भाई। और देखिए गोरखपुर से जब नेपाल जाएंगे ना, तो रास्ते में ये है, मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते मतलब डेवलपमेंट बहुत तेज हो। देखिए रोड एकदम 6 लेन हो चुका है, 6 लेन नहीं कहूँगा 4 लेन, लेकिन प्रस्तावित 6 लेन हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। और देख सकते हो लुक है ये, मतलब पानी में ला रही है। ये देखिए इंडिया है, नाम है भरवल, नाम का नाम है भरवल। चलिए और चलिए और चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए और चलिए। हाँ आप चलिए, दूर है अभी, दूर है, पीछे ले लीजिए। हाँ पूरे गाड़ी में बच्चे भरे हुए एकदम, मेरे सिस्टर है, मेरी मदर है, वाइफ है, जीजा है, सब लोग हैं। लीजिए पीछे लीजिए, देखिए हरियाली हरियाली, ये सब जगह तो दिख रहा ना पेड़ी है। हाँ ले लीजिए, ये पूरा धान है ये, ठीक है। हम लोग मोड़ रहे हैं, आगे चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो हेलो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे देखो जी तेजू, दिखाओ 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 तेजू, मार देंगे पलट जाओ। अभी है बड़ा चक्कर पकड़ के जो भैंस खा। और लेकिन दोस्तों बताना ही चाहता हूँ कि हम शहर में लाइफ कितने देर में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और जो गांव के अंदर आते हैं गांव का माहौल देखते दिखाता हूँ। अब तो मैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इधर हाँ इधर आ, हाँ इधर आओ, इधर आओ, दिखाता हूँ, लेकिन चलते दिखाता हूँ खेत आपको। कहाँ से? अब यहाँ से लेके वहाँ ले, सब खेती है ना। आओ ये है रिकवच का पेड़, ठीक है, रिकवच का पेड़ मतलब इसका हम लोग खाते हैं पकौड़ी। वो निकाल दिए ऐसे ना, ऐसे वाला नहीं है। और ये देखिए बैगन, ठीक है बैगन देख सकते हैं ना, किसको अरुई, रिकवच भी हम लोग कहते हैं, अरुवी कहते हैं। अच्छा और बैगन देखिए, हाँ दिखाया बैगन, दिखाया मैंने। और देखिए हाँ तुम भी देख लीजिए ना, दिखाइए ये संदीप अपना है क्या खेती है पूरा? ये वाला अच्छा, इधर का संदीप का पूरा, हाँ मतलब पूरा आप ही का है पूरा। देखिए वो व्हाइट बैगन था, और ये आपका ब्लू ब्लू बैगन, देखिए मतलब नीला बैगन बोल सकते हैं ना ये। एक देखिए बैगन, ये कलौजी में इस्तेमाल होता है। ये क्या पेड़ है ये? सरपुतिया, अच्छा तरुई बोलते हैं। ये अभी लगा हुआ ना, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? अभी 1 महीने में तैयार हो जाएगा, मतलब 15 दिन बाद निकलने लगेगा। देखिए तरुई का पेड़ है ये, देखिए अच्छा ये इतना ज्यादा मतलब ये क्या बोया हुआ दिख रहा है? अच्छा धान का बीज है, इसको निकाला यहाँ से जाएगा, फिर क्या होगा इसका? रोपाई होगा, ऐसे देखिए ना धान का बीज। अच्छा अच्छा अब ये निकाल रोपाया जाएगा। अच्छा एक साथ पूरा बो देते हैं, उसके बाद निकाल के लाके खेत में डालते रहते हैं इसको, ऐसे ऐसे जो है। हाँ गड़ैया होगा। अच्छा ये मेरा भांजा है, ठीक है संदीप नाम है, मुझसे बड़ा है। खैर ये देखिए करेली का पेड़, करेली करेली करेली, देखिए ये करेली करेली भी देखिए आप, इस करेली फूल है ये करेली का पेड़, देख ली करेली भी इसका, ये देखिए
फूल है, फूल दिखाइए पीला पीला। हाँ लंबा वीडियो होने वाला, लेकिन पूरा गांव का आपको दिखाऊंगा दृश्य, कैसा गांव दिखता है। देखिए करेली है ये भी, करेली निकल रहा है। अब मतलब सपोर्ट, इसको सपोर्ट दिया गया है, मतलब कि पेड़ इसी, और देखिए इसको बांधा गया है, इसे ये बांध दिया गया, मतलब पेड़ इसी के ऊपर लगेगा, और मतलब कि जो सब्जी है ना इसी के ऊपर करेली होगा, पूरा धागे से बांधा गया है। तो इंडिया में इस तरह की खेती होता है, आप किसी भी देश में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, आप श्रीलंका में रहते हो, नेपाल, अमेरिका में, कहाँ रहते हो, तो सबका अलग टेक्निक होता है। कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से लोग काम करते हैं, इस तरह खेती करते हैं। और सरपुतिया बगल में बोया हुआ, पीछे देखिए केला का पेड़ दिख रहा है आपको यहाँ से, उसको जरूरी केला का पेड़ है, आगे कुंडू मतलब सब्जी का। तो ये आप लोग बोते हैं उसको, मतलब एक तरह से आप फिर कैसे तोड़ते, कैसे बेचते हैं इसको आप लोग? हैं फिर मंडी जाता है। अच्छा, पूरा मतलब तैयार होता है आपका, फिर उसका मंडी जाता है। 80-90 किलो निकलता है डेली, डेली 80-90 किलो मतलब इनकी खेती है, मतलब यहाँ से लेकर लंबा दूरी तक है। और देखिए मिट्टी कैसे खोदा गया है। मैं कह रहता हूँ गोरखपुर शहर में, और गोरखपुर से थोड़ी दूर पे है मेरा बहन का गांव, और मैं वहीं पर आया हुआ हूँ। और मैं चाह रहा था कि दिखाऊँ लाइफ स्टाइल के बारे में, कि छुट्टी के दिन हम लोग चाहते हैं यार कुछ। देखिए ये क्या है, अच्छा कुंदरू, मैं खाता था कुंदरू का, मैंने पेड़ देखा नहीं था। अच्छा परवर बोलते हैं एक तरह से। अच्छा, अरे बड़ा टेस्टी लगता है मुझे तो ये। अच्छा कच्चे खा सकते इसको? मैं कच्चे खा सकते। इसको तोड़ा मैंने, हाँ क्या पानी का लहर इसमें तो नुकसान? अच्छा अच्छा कच्चा कुंदरू है ये, खा रहा हूँ। अब सब्जी खाते थे ना। मजा आया। आप लोग चीनी जरूर खाते होंगे ना, चीनी। देखिए चीनी के लिए ये गन्ना, इसी गन्ने को पेरा जाता है और यहीं से निकलता है चीनी, मतलब इससे चीनी निकलता है, चीनी भेली गुड़ जो बनता है ये है। पीछे केले का पेड़ है, मतलब पूरा देखिए एकदम। अरे कुंडू देखिए, एक मैंने कुंडू खाया, फिर कुंडू तोड़ सकता हूँ चाय खाने के लिए। देखिए एक और तोड़ लेता हूँ मैं। भिंडी कैसे खेती होती है? भिंडी टूट रहा है। अच्छा भिंडी टूट रहा है, मेड़ मेड़ चलना पड़ेगा। भिंडी का पेड़ तो ये भी तो है, देखिए देखिए ये रहा भिंडी भैया, देख लीजिए। अगर आप जानते नहीं होंगे कुंडू कैसे होता है, भिंडी किस पेड़ में होता है, करेली किस पेड़ में होता है, तो देख लीजिए वीडियो के अंदर, आपको मालूम हो जाएगा पूरा कि कितने बड़े पेड़ के अंदर भिंडी होता है। और ये जो दिख रहा हरा हरा ना, इसको निकालेंगे लोग, निकालने के बाद मिला के अपने बड़े खेत के अंदर बोएंगे और उससे धान की खेती हो जाएगी। तो पूरा देखिए खेत, ये मेरे भांजे का खेत है पूरा, यहाँ से लंबा चौड़ा दिख रहा ना आपको, ये पूरा उन्हीं का, पूरा खेत इन्हीं का ही है। और ये लोग जो है बता रहे हैं कि, और देखिए लोग लगे हुए हैं, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और गांव की महिलाएं देख रही हंस रही हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है देखिए ये देखिए नेनुआ, नेनुआ कुछ और भी कहते हैं मेरे ख्याल से, घेवड़ा कहते हैं, हाँ तरोई 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 नेनुआ कह रहे हैं, तरोई कहते हैं। देखिए ये तरोई का पेड़ है, बड़ा अच्छा लगता है ये खाने में, और मुझे लगता है इस समय 40 रुपये किलो साथ बिकता है ये तरोई का पेड़। और देख सकते हैं बगल में इसके वो भुट्टा है ना, वो सामने भुट्टा है, और अरे यार पैर में कुछ गड़बड़ जा रहा है भाई। देखिए सामने केला भी देख सकते हैं आप, ये पूरा मेरे भांजे का खेत है यहाँ पर, और उनका मशीन लगा हुआ पानी देने के लिए, पानी देखिए पानी देने के लिए मशीन लगा हुआ। गाजा गाजा, अच्छा जो नशा करते लोग है क्या? इस बोई ने अपने आप निकल गया होगा लगता है मुझे तो। नहीं नहीं बोया गया, मजाक कर रहा लगता है ये, मजाक कर रहा है, मतलब अपने अपने आप गांजा जो है निकल जाता है। हाई कौन सा पेड़ गया भैया? ये तो मल्टीपर्पज हो गया भैया, देख रहा हूँ कि साला नेनुआ है, इसके अंदर करेली है, सब कुछ बोया गया, सब सब्जी तोड़ तोड़ खाई, लाउंडर पूरा पूरा सब सब्जी तोड़ खाओ, मतलब खाने के लिए एक ही में 10 सब्जी उगा सकते हैं। अच्छा कहीं एक पेड़ हो गया, मतलब आपका मन नहीं भरेगा? चिड़िया देखिए नहीं नहीं, और गांव में देख लेते आप चिड़िया, शहर में चिड़िया कम दिखती है। देखिए गांव के अंदर मौसम इससे सुहावना हो गया, मतलब बदली टाइप का हो गया, और अच्छा लग रहा है। देखिए पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली एकदम है। मेरी उम्र 35 साल से ऊपर है, और मेरा भांजा है, इसकी उम्र लगभग 20 साल है, दोनों में अंतर दिख रहा होंगे ना, मेरा बराबर हो चुका है ये, इसी का पूरा खेत है ये, और खेती करता है गांव के अंदर रहता है बड़ा, मतलब गट्टू जवान, इसमें कह रहा है मल्टीपर्पज है, इसमें आपका सरपुतिया भी हुआ है, यहाँ पर आपका नेनुआ भी हुआ है, करेली हुआ है, मतलब हर चीज़। कभी आपका मन भरेगा नहीं, जैसे शहर में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो आपको एक सब्जी खाकर मन भर जाता है, लेकिन गाँव के अंदर आप बो दीजिए कुछ भी खाइए भैया निकाल निकाल के, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो। ठीक है ये देखिए बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे लोग कहाँ हैं तुम लोग, आ इधर आ जाओ,
चलो नदी पे, चलो नदी, नदी पे जल्दी, नदी पे आ जाओ, नहाना नदी में आ जाओ। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए एक यूट्यूबर और ये बच्चे लोग। अबे तू क्यों तोड़ा भाई, हाँ क्यों खराब कर रहा उसको, हाँ देखिए बैगन तोड़ ले बच्चे ने, हाँ अब तोड़ के फेंक देगा ये लड़का। ये क्यों तोड़ा भाई तू बैगन, हाँ नहीं फेंकेगा नहीं ना, फेंकना नहीं उसको। कहाँ देखूँ, कहाँ देखूँ, कहाँ दिखाओ, मैं देख कर आया, उधर आ गया बैगन, यहाँ पर दिखाई, इधर इधर दिखाओ, इधर इधर दिखाओ, आ देखो देखो बैगन ये रहा, देखो ये बैगन है वाइट कलर का, ठीक है। चलो चलो मोटर का पानी सनसनाहट भैया, देखिए एकदम ये, अरे यार इसे इसे रगड़ो ना, पैर पैर रगड़ो, चला गया मट्टी में, चला गया तो दोनों पैर रगड़ो यार, साफ पानी चलो। अच्छा नील जो कपड़ा मतलब साफ करते नीला करते हैं उसके लिए आएगी, बगल नदी थी, नदी के माध्यम से लोग करते हैं। लेकिन बड़ा टावर दिख रहा था, ये एक समय नील की खेती होती है जवान बता रहे, ये बगल में नदी बह रहा है, लोग अभी कुछ दिन पहले पूरा पानी जो दिख रहा खाली जमीन भर चुका था। अच्छा ये नदी तो जो नेपाल से आया हुआ है, नेपाल अगर पानी छोड़ता है, पानी छोड़ता है तो बगल बगल में मंदिर भी है ये, जब नेपाल पानी छोड़ता है तो पूरा बाढ़ आ जाती है गांव। अच्छा तो नेपाल पानी क्यों छोड़ता है, जब नेपाल वहाँ अधिक होता है पहाड़ियों से आता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हो जाता है ना तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर नेपाल पानी रिलीज करता है और फिर इंडिया में पानी आ जाता है, तो उसके वजह से बाढ़ आ जाता है। आगे जाके गोरखपुर वहाँ पे जाकर आपती में फिर मिलती है। अच्छा ये देखिए नदी है ये, मतलब अच्छा अच्छा समझ गया, रापती नदी गोरखपुर में जाती है, मतलब पूरा ये एरिया पानी से भर जाता होगा, पानी से भी भरा था फिर अंदर हो गया पानी, अभी कुछ दिन पहले भरा था क्या ये, अभी एक जो एक हफ्ता, अच्छा एक हफ्ते पहले से लगातार बारिश हो रहा था तो पूरा ये पानी पानी हो चुका था, और उसके बाद फिर धूप होना चालू हो गया, पुलिया से उधर फेंक दिया था उस बगल पानी फेंक दिया। अच्छा इतना पानी हो चुका था, इतना पानी हो चुका था और धार होने लगी। अच्छा इसमें तो मछलियां बहुत आ जाती होंगी, हां मछली सब बहुत मार रही है। अच्छा अच्छा है, जब पानी आता साथ में मछली भी आता है, पानी को करने के लिए मतलब व्यवस्था पहले से। देखिए ये मशीन है ये, अच्छा पोकलेन ये मतलब गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट का सब, गवर्नमेंट का पोकलेन, अच्छा गवर्नमेंट के बारे में, मतलब कि कुछ अगर पानी भर जाता है तो इसको गड्ढा करने के लिए कर देते हैं, फिर पानी मतलब रास्ता बना देते हैं कि पानी मतलब पास हो जाए साइड से साइड पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब शहर के लोग गाँव में आते हैं ना तो जानने की उत्सुकता हो जाती है, जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि गांव के लोग देख रहे हैं उसको मैं क्या करके आ रहा हूँ। पानी तब अंदर खींचता है, कैसे पानी अंदर खींचता है देखिए, हाँ बोलो पानी क्या हो जाए, क्या हो जाओ, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। ओए कहाँ कर रहा है, ये फाना है ये। अच्छा इसके नीचे रास्ता है, इस पर से उस पर पानी जाता है, हाँ देख ली देख ली, पूरा पानी का जैसे उधर बरसात का पानी, अच्छा और नदी का पानी है ये वाला, नहीं तो नदी में पानी कम होगा, इधर का पानी फाटक बना खींचता है,
अच्छा। अगर उधर पानी भरेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, तो इधर नहीं आएगा। अच्छा हेलो, डांस करो डांस करो करो। हाँ आओ गाड़ी नीचे आ, मानो नीचे नीचे आ जाओ, आओ मेरे हाथ में। अबे आ रहा, हाथ पकड़ता देखो, जानवर मरा हुआ ये। ये कौन सा जानवर है? कुत्ता। तेरे देखो डॉगी मरा हुआ है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा मेरा ब्लॉग, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए के लिए कि क्या और बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में।